شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج بتاريخ 26/4/2020 ماہ مبارک کے تعلق سے کچھ احکام اور مسائل اور فضائل کا سلسلہ چند ایام سے جاری ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم الشان بابرکت مہینے میں خیر کے اعمال کو پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی، شر سے بچنے، منکرات اور ہر طرح کے فواہش سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. آج کے درس میں جن چند اہم باتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے، رمضان کے روزوں کا حکم بیان کرنے کے بعد، اور یہ کہ کن لوگوں پر یہ روزے فرض ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کر لینے کے بعد مناسب ہوگا کہ اس عظیم الشان برکتوں والے مہینے کی قدر پہچان لیں اور اس کے اعلیٰ ترین مقام اور مرتبے کو ہم جان سکیں، اور اس مہینے کے حوالے سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں ان سے ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے. اس مہینے کی فضیلت کی بابت اگر صرف اتنا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو دنیا والوں کی رحمت اور ان کی ہدایت کے لیے جو عظیم الشان نسخہ منتخب فرمایا، اس کے نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کو منتخب کیا، یعنی رمضان المبارک میں رب کریم نے قرآن مجید کو نازل فرما کر پوری امت پر عظیم احسان فرمایا. چنانچہ ایک جگہ رب کریم نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. ایک اور جگہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. ایک اور جگہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا. یہ بات ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی عظیم الشان مہینے کے اندر ہوا ہے. مکمل قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن کے نزول کا آغاز
इसी महीने की शब कद्र की रातों में से किसी रात के अंदर हुआ, यानी क़ुरान मजीद जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि लौहे महफूज से रब करीम ने बैतुल इज़्ज़त में मुकम्मल क़ुरान इसी महीने के अंदर नाज़िल फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान, पूरा क़ुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने के अंदर लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त में उतारा और वहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अंदर इसके नाजिल होने के सिलसिले को जारी रखा, जिसका आगाज़ शब कद्र से, शब कद्र लैलतुल कद्र मुबारक रात मुख्तलिफ अल्फाज के साथ जो बयान किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाया। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह किसी दर्स में क़ुरान मजीद के हवाले से कुछ अहम और ज़रूरी गुजारिशात बयान करने की कोशिश की जाएगी। सरदस्त ये बयान करना मकसूद है कि इस महीने का ये ऊंचा मकाम है कि दुनिया की सबसे अजीम तर किताब जो सरापा हिदायत है, सरापा रहमत है, सरापा शिफा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इसी महीने के अंदर नाज़िल फरमाया। उसका एक अजीम एहसान ये भी है रब्बे करीम का, और ये उसके खैर और उसकी बरकतों में से एक बरकत है कि उसने खैर के सिलसिले को बढ़ाने और शर के सिलसिले को कम करने के जो ज़राए और वसाइल थे इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बढ़ा दिया। खैर बढ़ने और बढ़ाने के जो वसाइल थे उनमें इजाफ़ा किया, शर और फसाद के बढ़ने के जो ज़राए और वसाइल थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कम कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि लोग इस बाबरकत महीने के खैर और उसकी नेकियों से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। चुनाचे हज़रत अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत के अंदर आपने फरमाया, इदा दखला रमदान फुत्तिहत अबवाबुल जन्नत व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम। रमदान जब आता है, शुरू होता है, तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं क्योंकि दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान उस अज़ीमुश्शान फरीज़े की अदायगी में लग जाते हैं जो इस महीने की मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर फ़र्ज किया है, यानी रोज़ा, और सिर्फ उसी पर इक्तफा नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ खैर और नेकी के मज़ीद जो रास्ते हैं उन तमाम रास्तों को अपनाने की पूरी कोशिशें करते हैं। तिलावत क़ुरान हो, ज़िक्र अज़कार हो, सदक़ात व खैरात हो, और खाने काबा का हज हो, ये सारे के सारे ही आमाल खैर इस महीने में बढ़ चढ़ कर मुसलमान अदा करने की कोशिशों में लग जाते हैं, और यही वो आमाल हैं जो इंसान को
जन्नत की तरफ ले जाने का ज़रिया और सबब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी उम्मीदों में मज़ीद क़ुव्वत पैदा करते हुए ऐसा कुछ मामला करता है इस महीने में कि जन्नत के दरवाज़े ही पूरे तौर पर सरापा उनके लिए खोल देता है और जहन्नम से दूरी बनाने के लिए और लोग उससे अपने आप को दूर रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के दरवाज़ों को इस महीने के अंदर बंद कर दिया। ऐसे तुम भी वो काम करो कि जिन कामों का नतीजा जहन्नम के बजाय जन्नत की तरफ ले जाने का हो। सिलसिलत शयातीन और जहन्नम की तरफ ले जाने के ज़राए और असबाब में से शयातीन इंसो जिन हैं। यहाँ जिन्नों में जो शयातीन हैं उनके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और जो जंजीरें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके लिए तैयार की जाएं और उसमें वो जकड़ दिए जाएं तो उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। बाज़ रिवायात के अंदर है उसुफ़ेदत शयातीन व मरादतुल जिन, उसुफ़ेदत शयातीन व मरादतुल जिन, यानी उनमें जो सरकश हैं जिन्हों के अंदर जो सरकश हैं उन्हें बेड़ियों में जकड़ा जाता है। इसका माना यह है कि उस क़ुव्वत के साथ शर और फसाद के काम जो बकिया महीनों के अंदर ही अंजाम देते थे इस महीने के अंदर वो नहीं कर पा रहे हैं या उनका इस महीने के अंदर उस दर्जे का शर व फसाद का अमल करना मुमकिन नहीं रहा जो कि बकिया महीनों के अंदर जारी और सारी रहता है। और ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले रमज़ान ही से शुरू कर देता है, जैसा कि बाज़ रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिर्मिज़ी वगैरह की रिवायत, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमज़ान, अव्वलु लैला, जब पहली रात रमज़ानुल मुबारक की पहली रात शुरू होती है तो ये सारे के सारे सिलसिले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जारी हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ इस रिवायत के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई उनादी मुनादिम, आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, पुकारने वाला पुकारता है। एक तरफ खैर के रास्तों को आसान कर दिया गया, उनके ताल्लुक से उम्मीदों को बढ़ा दिया गया, अजर व सवाब के इजाफे के लिए इन ज़राए और वसाइल के सिलसिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम कर दिया, और दूसरी तरफ लोगों को मज़ीद मुतनब्बेह करने के लिए, मज़ीद इन नेकियों की तरफ खींचने के लिए, उनके दिलों के अंदर मज़ीद हौसला बेदार रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुछ बंदों को इस काम के लिए मुतय्यन किया कि वो ऐलान करें, वो खबर करें, वो जगाएं, वो बेदार करें, जगह जगह लोगों को गफलत की नींद से, सुस्ती और काहिले की चादर जो ओढ़े हुए दराज हैं उन्हें इन सुस्तियों और गफलतों से बेदार करें। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो युनादी मुनादिन, निदा देने वाला निदा देता है, या बागी अल-खैर अक़बिल व या बागी अश-शर अक़सिर, ऐ नेकियों के चाहने वाले, नेकियों के तलाश करने वाले आओ, ये नेकियों का मौसम बहार तुम्हारे दरमियान आ चुका है, और ऐ बुराइयों के तलाश करने वाले और उसे ढूंढने वाले बाज आ जाओ, ये माह मुबारक आ चुका है, ये खैर व बरकत का महीना आ चुका है, नेकियों का महीना आ चुका है, बुराइयों से अपने आप को रोक लो, शर व फसाद से अपने आप को रोक लो।
وَلِلَّهِ وَعْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نوازش مہینے کے آغاز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ وَعْتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی رب کریم اپنے کچھ بندوں کو اس مہینے کے اندر عطا فرماتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، مہینے میں اگر 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں تو ساری راتوں میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. جو بھی بندے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نیکیوں کے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں جو ہمارا رب اپنے بندوں سے چاہتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، شر و فساد، غفلتوں، کوتاہی اور سستیوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، اور وہ اس کے اہل ہیں کہ انہیں جہنم سے آزاد کیا جائے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی ہر رات کے اندر اپنے مخصوص بندوں کو جو اس کے اہل ہیں انہیں آزادی عطا کرتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ وہ دنیا کے اندر ایسے کام کرے کہ ان کاموں کا صلہ رب کریم کی طرف سے اس قدر عظیم ہو اور وہ جہنم سے آزادی کی شکل میں ہو. اسی مناسبت سے بعض لوگوں نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کو پا لے اور پانے کے بعد یہ ساری کی ساری خیر اور نیکیوں کے سلسلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسان کیے جا رہے ہیں، ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، آواز دینے والا بلا رہا ہے، اور لوگ اپنی سستیوں اور کوتاہیوں کے اندر غفلت کی نیند میں ہیں، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے، یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجبی، یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجبی حتی عصا ربہ فی شہر شعبانی، لقد اضلک شہر الصوم بعدہما فلا تصیرہ ایضا شہر عصیانی، وَاتْلُ الْقُرْآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِيحٍ وَقُرْآنِ، كَمْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِمَّنْ صَامَ فِي سَلَفٍ مِنْ بَيْنِ أَهْلٍ وَجِيرَانٍ وَإِخْوَانِ أَفْنَاهُمُ الْمَوْتُ وَاسْتَبْقَاكَ بَعْدَهُمُ حَيًّا فَمَا أَقْرَبَ الْقَاصِي من الثانی. شاعر کہتا ہے کہ گناہوں کی دنیا میں بھٹکنے والوں اور جرائم اور گندگی کی راستے پر لگنے والوں، رجب کے مہینے تک تمہارے گناہوں کے کارناموں کے سلسلے جاری اور ساری تھے اور تم اپنے آپ کو روک نہ سکے، یہاں تک کہ شعبان کے مہینے تک تم اس سلسلے سے جڑے رہے، گندگی سے باز نہ آئے اور گناہوں پہ گناہیں کرتے رہے. لقد اضلک شہر الصوم بعدہما، اور یاد رکھو شعبان کے بعد تمہارے درمیان، رجب اور شعبان کے بعد تمہارے درمیان جو مہینہ آیا ہوا ہے یہ شہر الصوم ہے، روزے والا مہینہ ہے. فلا تصیرہ ایضا شہر عصیانی، اس مہینے کو تم گناہوں والا مہینہ نہ بنانا، جن گناہوں کے اندر تم ملوث رہے توبہ اور استغفار کر کے اس سے باز آنے کے بجائے اس مہینے کو جو شہر الصوم ہے اسے بھی تم نافرمانی اور معصیت والا مہینہ نہ اسے بنانا. تمہیں کرنے کے جو کام ہیں اس مہینے کے
कि तुम तिलावत कुरान करो और ज़्यादा से ज़्यादा रब्बे करीम की तस्बीह व तहलील बयान करो। फ़इन्नहु शहरु तस्बीहिन व कुरआनी, क्योंकि यह महीना तस्बीह व तहलील का और तिलावत कुरान का महीना है। और बड़ी पते की बात और नसीहत की बात, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर टटोले तो इस हकीकत को सामने पाएगा। कम कुंत तअरिफु मिम्मन साम फी सलफिन, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो पिछले दिनों में साथ साथ सियाम व क़ियाम की अज़ीम नेमतों से हाल भी रहे कि पिछले सालों तक ऐसे लोगों के साथ आपका साथ रहा। मिम्बईन अहलिन, आपके ख़ानदान में, उजीरानिन आपके पड़ोसियों में, वो इख्वानी और आपके भाइयों में, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ साथ रब्बे करीम ने आपको ये मौका दिया कि आप रोज़े नमाज दीगर और नेकियों को अंजाम देते हुए आते रहे। अपना हूँ बोल मोहतो, पर ये साल जो रमज़ान आया, इस साल के रमज़ान को वो नहीं पा सके, मौत उन्हें लेके चली गई। वस्तबका का बहदहमो, और उनके बाद आपको बाकी रखा गया। हयन जिंदा, फमा अकरब अलकासी मिनद्दानी, तो वो शख्स जो दूर जा चुका है, वो शख्स जो दूर है उससे कितना करीब है वो शख्स जो अभी बचा हुआ है, ये भी उसी के रास्ते पर कायम है, चल रहा है, और ये भी गुज़रते हुए दिनों के साथ उससे करीब से करीब तर होता जा रहा है। ये बड़ी नसीहत की बात है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीम मौका अता फरमाया कि खैर के और फजीलत के इन महीनों में उसे ज़िंदगी अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती से मालामाल किया और बहुत सारे नेमतों से उसे नवाजा। अगर इसकी क़दर करते हुए वो खैर के कामों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम कर ले, जन्नत के रास्ते पर अपने आप को लगाए और बुराइयों से अपने आप को दूर रखे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इन नेकियों को कबूल फरमाते हुए गुनाहों से भी दूर रखेगा और रमज़ान मुबारक की जो फजीलतें हैं और इसका जो मकाम है उससे भी वो मालामाल होगा। ये मुबारक महीना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, अताकुम रमज़ानु शहरु मुबारक, तुम्हारे दरमियान जो महीना आया हुआ है ये कौन सा महीना है? बरकतों वाला महीना है, जिसके रोज़े को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किया और जिसमें बहुत सारी नेमतें रब्बे करीम ने तुम्हें अता फरमाई। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिवायत में फरमाया, मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम, मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम, जो शख्स इस महीने की नेकियों से और खैर से महरूम हो वो वाकई महरूम है। जो शख्स इस महीने की नेकियों से महरूम हो जाए वो वाकई महरूम ही इंसान है, क्योंकि इंसान कभी कभार उसके दिलों के अंदर ये कैफियत तो आती है कि उसे नेक काम करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वसाइल और ज़राए उसका पूरा पूरा साथ दे रहे हों, हालात उसके मुआफिक, जबकि इसके बरखिलाफ़ इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरह के हालात को साजगार बनाया, जिस्मानी एतबार से उसको इसका अहल करार दिया, तो जिस्मानी जिस्म भी उसका पूरे तौर पर साथ देने वाला है और अपने अंदर के अलावा बाहर के भी हालात उसके पूरे तौर पर मुआफिक हैं कि खैर के कामों में अपने आप को न सिर्फ डाले बल्कि उसकी तहों में जाने की कोशिशें करें।
और वो मोतियाँ जो रब करीम ने इस महीने के अंदर बिखेरी हुई हैं उन्हें वो चुन सके। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, मनसाम रमज़ाना ईमान वहतिसाबा غفر له ما تقدم من ذنبه। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जो शख्स रमज़ान मुबारक का महीना ईमान और अजर की नीयत के साथ रख ले उसके पिछले गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देता है और बड़ा अजर इस रोज़े के पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बाकी रखा हुआ है और जिसका तज़किरा हज़रत अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युदाएफ, बंदे के जितने भी काम हैं सारे कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है, दोगुना करता है और उससे भी ज़्यादा ज़्यादा करता है। यानी एक नेकी का अगर बंदे ने काम किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा करके उसका अजर देता है। कितना बढ़ाता है? फरमाया, अल्हसनतु बिअशर अमसालिहा, 10 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ा करके देता है। इला 700 ज़िफ़, 700 गुना तक रब करीम ये बढ़ाता रहता है। तो नेकियों के अजर के सिलसिले को अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सिर्फ 2 गुना और 6 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, बल्कि उससे भी आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके सिलसिले को बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि 700 गुना तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इजाफ़ा करता है। और ये इजाफे की जो वजह है वो इंसान के इखलास पर कायम है कि किस कदर मुखलिस हो करके उस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसको खुशनुदी हासिल करने के लिए वो अंजाम दे रहा है। सारे काम जिस कदर उसके इखलास में इजाफ़ा होगा अजर भी उसी कदर बड़ा होगा। दिखावा, दुनिया तलबी, शोहरत तलबी, मनसब या और कोई चीज़ इंसान की जहन के अंदर उसकी नीयत के अंदर अगर आए उसी कदर उसका अजर कम से कमतर होता चला जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इल्ला सौम, हाँ इन तमाम नेकियों के अजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफा करता है 700 गुना तक सिवाय रोज़े के। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह, क्योंकि ये रोज़ा मेरे लिए और मैं उसका बदला दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े को अपने साथ जोड़ा कि ये अमल मेरे लिए है, गोया कि बंदे के सारे आमाल जिसमें वो इखलास से काम लेने की कोशिशें किए और इखलास के साथ में उस काम को रब्बे करीम के लिए करता रहा, कोई शुबा नहीं कि इखलास के साथ वो काम कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर उसका अजर अज़ीम अता फरमाता है। लेकिन इखलास की ये आला तरीन शक्ल कि पूरी ही इबादत मुखलिसाना तौर पर अदा हो सके, अगर इस ताल्लुक़ से कोई इबादत अव्वल त आखिर इखलास के दायरे में बंद हो कर के रब्बे करीम के हुजूर पहुँचे, अगर कोई इबादत साफ़ सुथरी और सही सालिम रब के हुजूर पेश हो सकती है तो रोज़ा ही है। कि बंदा अपने इस रोज़े को महफूज रखते हुए तमाम उन चीज़ों से जो उसको नुकसान पहुंचाने वाली हैं, उसके इखलास में कमी लाने वाली हैं, उन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करने के लिए वो जिस आला जज्बे और क़दर के साथ उसे रखता है, यकीनन ये उसी का हिस्सा है और इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अज़ीमुश्शान अमल को अपने लिए ख़ास फरमाया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, सिर्फ़ पाक चीज़ों को कबूल करता है।
और कोई भी ऐसा काम कि जिसमें किसी भी तरह की मामूली सी मिलावट अगर हो तो उसे रद्द कर देता है। पर सियाम एक ऐसी इबादत है कि अगर बंदा चाहे तो हर तरह के दवाई और असबाब कुछ ऐसे उसके सामने मुहैया और तैयार रहते हैं कि उसके होते हुए बंदा इखलास के आला तरीन मकाम और मनाजिल तक पहुँच सकता है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के हसूल का सबसे अहम तरीन ज़रिया है और अल्लाह उस अमल को अपने लिए ख़ास फरमा देता है। आगे इस इखलास के तरफ इशारा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदअउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली। बंदा क्या करता है कि अपने शहवतों को, अपनी चाहतों को, फितरी मैलान इंसान का जिन जिन चीज़ों की तरफ होता है, उन तमाम चीज़ों को, मायल होने वाली चीज़ें, इंसान जिन जिन चीज़ों की तरफ फितरी तौर पर मायल हो रहा है, उन सारी की सारी चीज़ों पर रोक लगाया गया रब करीम की तरफ से, वो अपने आप को रोक लेता है और ऐसी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। ये है असल वजह इस अहम इबादत का अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ मखसूस होने की। सारी ही इबादतों के अंदर बंदा ऐसे ही करने की कोशिश करता है, पर इस इबादत के अंदर आला तरीन शक्ल के अंदर वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाती है। और फिर मज़ीद इसकी फजीलत बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदारों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मौका दिया हुआ है जिनमें बंदा खुश होता है, खुशी और मसर्रत उसकी ज़िंदगी के अंदर आती है। फरहतुन इंदा फितर ही, एक खुशी है इफ्तार के वक्त, व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही, और दूसरी खुशी है रब से मुलाकात के वक्त। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी फजीलत ही का एक हिस्सा है, वला खलूफ फमिस्साइम अतयब इंदल्लाह मिन रीह अल-मिस्क, कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद अजीज़ है, बेहद पसंदीदा है। मिन रीह अल-मिस्क, मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा, जितना कि बंदे को मुश्क की खुशबू पसंद है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू और रब करीम को पसंद है। क्योंकि इबादत के रास्ते में बंदे ने अपने आप को भूखा और प्यासा जो रखा, उसकी वजह से गर्मी और भाप और क्या क्या चीज़ें बन करके उस पेट से निकलने वाली ये हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ी अजीज़ और बड़ी प्यारी लगती है। अगर देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो अमाल के अंदर इजाफे और फजीलत की जो वजूहात हैं, कि इंसान जब कोई काम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर और सवाब उसका बढ़ा देता है, तो अजर और सवाब अमाल के बढ़ने के जो वजूहात हैं अगर उन पर गौर किया जाए तो कुछ ऐसे भी वजूहात हैं जो बहुत ही ज़ाहिर व बाहिर हैं, उनकी तरफ अगर तवज्जो दी जाए और उन्हें अपनाने की कोशिशें की जाए तो यकीनन हमारे आमाल के उजूर में मज़ीद इजाफा हो जाए। उसके पीछे वजूहात में से एक वजह, असबाब में से एक सबब, जगह की फजीलत, जगह का शर्फ, मकान, जगह जहां उस इबादत को अंजाम दिया जाए, क्योंकि वो जगह फ़ी नफ्स ही फजीलत वाली है, बुलंद दर्जे और मर्तबे वाली है। तो अगर कोई जगह बुलंद दर्जे और मर्तबे वाली हो, वहां कोई इबादत और नेकी अंजाम दी जाए, तो जैसे कि उस जगह की फजीलत है, अंजाम दिए जाने वाले उन आमाल की भी फजीलत बढ़ जाती है।
इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया, सलातुन फ़ी मस्जिद हादा खैरुम मिन अल्फ़ सलात फ़ी मा सिवा इल्ल मस्जिद अल हराम। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मेरी इस मस्जिद के अंदर एक नमाज 1000 नमाज से बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के। एक नमाज कितनी नमाज से बेहतर है? 1000 नमाज से बेहतर है दीगर जगहों में मस्जिद नबवी को छोड़कर किसी और जगह में वो इबादत अंजाम दी जाए सिवाय मस्जिद हराम के। इस रिवायत से क्या पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जगह की फजीलत, उस मकाम की फजीलत की बुनियाद पर वहाँ अदा की गई इबादत को भी काबिले सताइश ठहराया और उसकी फजीलत में इजाफे का ज़रिया और सबब करार दिया। और इसी तरीके से मस्जिद हराम के बारे में भी मशहूर रिवायत कि वहाँ पर अगर नमाज अदा की जाए एक नमाज तो 1,00,000 का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाएगा दीगर जगहों में उस नमाज की अदायगी से। तो इसे पता चला कि मकान की फजीलत, जगह की फजीलत और उसका आला मकाम वाला होना ये उस अमल की फजीलत का ज़रिया और सबब बनता है और उससे नेकियों में इजाफा होता है। इसी तरीके से इनके असबाब में से एक अहम तरीन सबब वक्त की फजीलत है, ज़माने की फजीलत है कि अगर किसी वक्त का कोई मकाम है और उसका शरफ है और उसकी फजीलत है तो उस वक्त में की गई इबादत, उस फजीलत वाले वक्त में की गई इबादत दीगर और अवकात में की गई इबादतों से अफजल और बेहतर करार पाएगी। जैसे कि रमज़ान मुबारक में की गई इबादतें दीगर और महीनों में की गई इबादतों से बेहतर होंगी क्योंकि ये फजीलत वाले अवकात हैं। ख़ास तौर से इसकी रातें बड़ी ही अहमियत और बड़ी ही फजीलत वाली रातें हैं। और ऐसे ही ज़िलहिज्जा के 10 दिन कि उन दिनों के अंदर अगर नेकियां और खैर के काम अंजाम दिए जाएं तो चूंकि उन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है वो अवकात बड़े ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ऊंचे मकाम वाले हैं इसलिए उन दिनों के अंदर भी अगर कोई इबादत अंजाम दी जाए तो उसकी बड़ी अहमियत और फजीलत होगी। इस हवाले से मैं एक मशहूर रिवायत जो लोगों के दरमियान काफ़ी शोहरत इख्तियार कर चुकी है और लोग उसे बकसरत बयान भी करते हैं, मैं इस मुनासिबत से उसका ज़िक्र करके और उसका जो सनदी दर्जा है वो भी मैं ज़िक्र कर दूं ताकि सही सूरत हाल हमारे सामने रहे। एक रिवायत है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और उसमें बहुत सारी बातों में एक बात ये ज़िक्र है, मन ततव्वअ फ़ीह बिखसलत मिन खिसालिल खैर, अगर कोई शख्स कोई नफल नमाज या कोई नफली इबादत इस माह मुबारक के अंदर करता है, कान कमन अद्दा फरीदतन फ़ी मसिवा, तो ऐसे है कि जैसे कि उसने रमज़ान के अलावा के महीनों में उसने कोई फ़र्ज काम किया हो, ये उसका अजर है। अगर कोई शख्स इस महीने में नफल इबादत अंजाम देता है तो ऐसे है जैसे कि उसने दीगर महीनों में कोई फ़र्ज़ इबादत अंजाम दिया हो, फरीज़े के कायम मकाम
इस महीने में अदा की हुई नफली इबादतें हैं। ओमन अद्दा फीही फरीदा, और जो शख्स इस माह मुबारक के अंदर कोई फ़र्ज इबादत अंजाम दे, कान कमन अद्दा सबईन फरीदतन फीमा सिवा, तो वह ऐसे है जैसे कि दूसरे महीनों के अंदर 70 फरीज़े की अदायगी उसने किया हो। सबईन फरीदतन, ये मशहूर है और ज़ुबान ज़द है मगर सही नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत है, काबिल अमल नहीं है। ये रिवायत मशहूर तो ज़रूर है और लोगों के यहाँ बहुत शोहरत हासिल कर चुकी है, पर यह ज़ईफ़ रिवायत है। इसमें अली बिन ज़ैद बिन जुदान नामी एक रावी हैं जो ज़ईफ़ है, और इसी तरीके से इसके अंदर एक रिवायत और भी आती है कि अगर रोज़ेदार कोई अमल करता है तो उसका अमल सौइमी मुदाफ़ुन, कि रोज़ेदार का अमल वो उसकी नेकियों में इजाफ़ा किया जाता है। ये रिवायत भी सही नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और दीगर बाज़ सहाबा से ये रिवायत है। हाँ, इसके बरख़िलाफ़ इस महीने की इबादतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत जो कि सही बुखारी में है, उम्रतुन फी रमदान तअदिलु हज्ज, रमज़ान मुबारक में अगर कोई शख्स उम्रा करे तो वो ऐसे है जैसे कि उसने हज किया। तो हज जैसा सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस उम्रे का देता है जो इस महीने के अंदर इंसान अदा करे। बाज़ रिवायात में है हज्जतुन मई, कि मेरे साथ गोया कि उसने हज को अदा किया। तो ये ऊंचा मकाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है, और कोई बईद नहीं कि रब्बे करीम अपने पर भला अगर वो इखलास के साथ अंजाम दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊंचा से ऊंचा मकाम और बड़ा से बड़ा दर्जा और मर्तबा उन्हें अता फरमाए। वो करीम है, वो जवाद है, वो अपने करम और जुदो सखा के एतबार से रोज़ेदार के नेकियों का अजर अपने एतबार से वो आला से आला और ज़्यादा से ज़्यादा वो अता फरमा सकता है। उसके यहाँ उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन ये जो बड़ा आला दर्जा और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ेदारों के रोज़े के तईं ज़िक्र फरमाया है, उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इस महीने के अंदर रोज़ेदार सब्र के तमाम मनाजिल से अपने आप को गुजार लेता है, सब्र के तमाम मनाजिल से अपने आप को गुजारता है। और सौम का माना भी सब्र ही का है, असौम हुआ हब्सुन्नफ्स, असौम हुआ लिमसाक, वह सब्र हुआ हब्सुन्नफ्स, यानी रोक लेना अल इमसाक, अपने आप को रोक लेना किन चीज़ों से, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मना कर रहा है, हर तरह की शहवतों से, हर तरह की चाहतों से, हर तरह के अरमानों से जो इंसान अपने दिलों से चाहता है पर रब्बे करीम उसे मना कर रहा है। तो रोज़ेदार अपने आप को रोकता है, और सब्र असब्र हुआ हब्सुन्नफ्स, नफ्स को रोक लेना, किन चीज़ों से रोकना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत पर नफ्स को रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां वो इंसान कर सकता है, भलाई के काम पर अपने आप को कायम रख सकता है, वो साबिर है, वो खैर के काम पे डटा हुआ है, जमा हुआ है, वो उससे अपने आप को कमज़ोर नहीं पाता, वो उस पर कायम रखता है। और अस्सब्र अन महारिमिल्लाह, जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है, सारी हुरमत वाली चीज़ों से अपने आप को रोकता है, इसलिए फवाहिश और मुनकरात के करीब नहीं जाता,
ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिशें करता है वो शख्स साबिर है जो बुराइयों से दूर है, वो शख्स साबिर है जो फवाहिश और मुनकरात से अपने आप को बचाता है, साबिर है वो इंसान। और इसी तरीके से जो दिक्कतें और परेशानियां और मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ज़िंदगी में जो आफतें और बलाएं मुकद्दर फरमाई हैं, ऐसी सारी घड़ियां जो उसके ऊपर से गुज़रती हैं, तो वो अपने नफ्स को मलामत से, अपने नफ्स को जज़ा और फजा से, अपने नफ्स को उन तमाम तकलीफ़ों के आने पर ऐसे गुमान को लाने से जो रब्बे करीम की शायान शान ना हो, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसलों को दिल के अंदर जगह देता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने जिस्म को इस बात के लिए राज़ी कर लेता है और जज़ा और फजा से रोक देता है, बल्कि अपनी रूह को, अपने जिस्म को, जिस्म के साथ साथ रूह को भी वो तैयार करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे ही फ़ैसलों को के अंदर जगह देने में वो कामयाब हो जाता है। वाकई वो शख्स साबिर है। तो ये जो सारी कैफियतें सब्र के अंदर पाई जा रही हैं, सौम के अंदर बदरजे औला इसके अंदर मौजूद है, आला तरीन शक्ल में मौजूद है। अब देखिए, भूख और प्यास की तकलीफ़ इंसान बावजूद शिद्दत हरारत के, इस तकलीफ़ को आने के बावजूद वो अपने आप को कायम रखता है और रोज़े को, रोज़े के असरात को वो महसूस करने के बावजूद वो उस पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता। ये तकलीफ़ पर सब्र करने की बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दे दिया है, उन सारी चीज़ों से अपने नफ्स को रोक लेता है, यहाँ तक कि मुबाह चीज़ों को जो उसके लिए नुकसानदेह थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक लगाई तो उसने अपने आप को रोक लिया। खाने और पानी जो इंसान के दिन की अहम ज़रूरतों में से एक है, अपने आप को रोकने में कामयाब हो जाता है। रब ने हराम कर दिया, हलाल चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया, इसने भी अपने आप के ऊपर उसको हराम करार दे लिया बिला किसी जज़ा और फजा के। ये साइम है, साबिर है। और ऐसे ही दिन की घड़ियों के अंदर रब की इबादत और बंदगी करना, रब करीम के क़ुरान को अपने गले से लगा लेना, ज़िक्र और फ़िक्र के आला तरीन मकाम और दर्जे और मर्तबे तक अपने आप को लेकर के चलना, ये साइमीन की अहम तरीन सिफात में से है। इताअत पर कायम रहना। तो सब्र की जितनी भी शक्लें हैं, सारी ही शक्लें चूँकि सौम के अंदर बदरजे आला तरीन शक्ल के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इसको शहरु सब्र कहा गया। इस महीने को कौन सा महीना करार दिया गया? शहरु सब्र। ये सब्र वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को सब्र का, सब्र की शक्लें जितनी हैं सारी शक्लों का की आदत अपने बंदों को सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अगर तुम अपने अंदर ये सिफत लाओ तो यकीनन तुम पूरे तौर पर कामयाब हो सकते हो। इसी तरीके से ये रोज़ा, ये सियाम जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इन दिनों के अंदर रखता है, इसके बड़े फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि ये उसकी ज़ुबान को सही सालिम बनाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। ज़ुबान में नफासत, ज़ुबान के अंदर सलामती का ये अहम तरीन ज़रिया और रास्ता है। साफ सुथरी ज़ुबान उस शख्स से बढ़ कर के किसी की नहीं हो सकती जो कि रोज़े से अपने आप अपना दिन गुजार रहा हो,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ تو وہ کچی پکی لوگوں کو نہ سنائے بیہودہ اور نازیبہ کلمات اپنی زبان پر نہ لائے فَلَا يَرْفُثْ گندی بات ہے اپنی زبان پر لا کر کے زبان کو آلودہ نہ کرے زبان کو صاف ستھری بنانے کی کوشش کرے ولا اسخب اور چیختے چلاتے اپنے دن کے اوقات کو نہ گزارے کیونکہ چیخنا اور چلانا یہ مثقف اور تہذیب یافتہ لوگوں کی پہچان نہیں ہے جو سنجیدہ اور بڑے دل گردے کے لوگ ہیں وہ اپنی زبانوں کی سلامتی اور اس کی نفاست کو حالات کے ساتھ ساتھ وہ آلودہ نہیں کرتے فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ اور اگر اسے کوئی شخص نازیبہ کلمات کے ساتھ یاد کرتا ہے الٹے سیدھے القاب اور اوصاف کے ساتھ اسے گالی گلوچ دیتا ہے یا لڑنے بھڑنے کے حالات اس کے درمیان قائم کرتا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ تو وہ یاد دلا دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں یعنی میں آپ کے ساتھ اس طرح کے میدان میں نہیں جا سکتا یہ وہ اکھاڑا ہے کہ جس اکھاڑے کے شہ سوار روزے دار نہیں ہو سکتے روزے دار کا میدان اور ہے اور اس اکھاڑے میں آنے والوں کا اس اکھاڑے میں آنے والے لوگ اور ہی لوگ ہوتے ہیں روزے دار نہیں ہو سکتے اس لیے خود بھی اپنے نفس کو یاد دلائے اور سامنے جو لوگ ہیں انہیں بھی یاد دلائے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا اس گندگی کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے یہ گندی راہیں ہیں یہ گندی نالیاں ہیں ان نالیوں کے اندر وہی ڈبکیاں لگا سکتے ہیں جو جن کی شریر اور جن کے جسم کے اعضاء اور جوارے گندگی کے اندر لطپت ہیں اپنی جیسے لوگوں کو تلاش کرو ہم آپ کا ساتھ ان گندگیوں کے اندر کسی بھی حال میں نہیں دے سکتے ان امرؤ صائم کہہ کر کے بڑے پیغام وہ لوگوں تک منتقل کرتا ہے کس قدر یہ سعادت اور برکتوں والا یہ عمل ہے جو ان ایام کے اندر روزے دار گزارتا ہے اور ہر طرح کی دکھ اور تکلیف کے لمحات جو اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ سکتے تھے اس نے پورے طور پر کنٹرول کرتے ہوئے ساری چیزوں کو نفع بخش بنانے کی پوری پوری کوششیں کرتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا الصوم جنہ الصوم جنہ کہ روزہ کیا ہے ڈھال ہے اور ڈھال کیا ہوتا ہے جنہ جنہ یہ جنوں سے ہے جنہ یہ جنوں کے معنی استطرا استطرو چھپا لینا چھپا لینا اسی سے جن ہے کہ وہ انسان کو نظر نہیں آتے چھپے ہوئے ہیں الصوم جنہ کہ ڈھال یہ چھپا لینے والی ہے بچا لینے والی ہے چھپا لینے والی ہے یعنی روزے دار کو کن چیزوں سے ہر اس چیز سے جس سے اسے تکلیف آ سکتی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ زبان کے راستے سے ہو یا ہاتھ کے راستے سے ہو یا جسم کے کسی بھی عضو کے راستے سے اگر اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے ایسے سارے مداخل کو کنٹرول کرنے والی پاور اگر کچھ ہے کسی کے پاس تو صوم ہے وہ روزہ ہے وہ جسم کے سارے اعضاء کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے وہ دل کے اوپر بھی دل کے اوپر بھی اس کی کنٹرولنگ ہے وہ اسے بھی تہذیب نفس کے طریقے سکھاتا ہے اچھی اچھی چیزیں اس کے ذہن و دماغ کا حصہ بناتا ہے تاکہ وہ خیر کی چیزوں کو سوچے اور اسی چیزوں کا عادی جسم کے سارے اعضاء کو بنائے صوم وہ برکت کی چیز ہے
जो साइम को हर तरह की गंदगियों में जाने और उससे नुकसान पहुंचाने से पूरे तौर पर रोकती है। ये तो दुनिया के अंदर है और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे को हर तरह के अज़ाब से, अपनी नाराज़गी से और जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे को बचाता है, क्योंकि उसने सौम का हक अदा करने की दुनिया के अंदर कोशिशें किया। जो बंदा भी सौम का मफहूम समझता है, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन अजीम बदलों का वो शख्स मुस्तहिक करार पाता है। पीछे जो रिवायत ज़िक्र की गई कि साइमीन को खुशी हासिल होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये खुशी दो बार उन्हें देता है। जब इंसान कोई मारका सर करता है, कोई मैदान उसके हाथ आता है, तो उसे खुशी एक बार मिलती है जिस वक्त की खबर उस तक पहुँचे। पर साइम जब सियाम की अजीम इबादत को अंजाम देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दोहरी खुशियाँ अता फरमाता है, दोहरी खुशियाँ, दो दो बार उसे वो खुशी देता है। एक उस वक्त खुशी मिलती है जब वो अपना रोज़ा पूरा कर लेता है, इस खुशी में कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया और हमने एक अजीम इबादत का एक दिन मुकम्मल किया है, एक अजीम इबादत का एक दिन हमने मुकम्मल कर लिया। उसके मुकम्मल करने की खुशी उसके दिलो दिमाग के अंदर जो आती है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में आपने फरमाया, इंद फितरी फरहतुन इंद फितरी, वो इफ्तार के वक्त खुश होता है क्योंकि उसकी एक अजीम इबादत मुकम्मल हो चुकी है, उसे खुशी है। और हर इंसान किसी भी बड़े काम के मुकम्मल होने के वक्त खुश होता है। वाकई ये बड़ा काम था जिसके ताल्लुक़ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ज़िक्र फरमाया कि जब जब एक दिन बंदे का पूरा होता है, हर रोज़ उसे उस वक्त खुशी होती है कि रब्बे करीम का एहसान हुआ, उसकी तौफीक मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल रहा, उसका करम रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह फजर सादिक से लेकर के और ग़ुरूब आफ्ताब तक हमने उन तमाम हदूद और क़ुयूद की पाबंदी करते हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक में हमें अता फरमाए थे, एक दिन की इबादत सुबह से शाम तक हमने मुकम्मल फरमाई, उसके दिलों के अंदर खुशी की ये लहर दौड़ उठती है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा इनाम है और बहुत बड़ा एहसान है। और इसी के साथ साथ दिन भर वो खाने और पानी और फितरी बहुत सारी चीज़ों से जिसकी तरफ उसका दिल मायल था, रब की इताअत और बंदगी करते हुए अपने नफ्स को रोक करके रखा था, जब अपने सामने उस चीज़ को जिसकी अशद्द ज़रूरत है, जिसकी अशद्द ज़रूरत है और जिसके लिए वो दिन भर तड़पता रहा है, खुशी का लम्हा है कि अपनी आँखों के सामने ऐसी चीज़ों को हाजिर पाता है और नहायत तैयार शक्ल में पाता है और आला तरीन औसाफ के साथ ऐसी चीज़ों को जब अपने निगाहों के सामने पाता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। दुनियावी एतबार से ये भी एक अजीम खुशी का मकाम है कि इंसान को वो चीज़ें जब उसकी अशद्द ज़रूरत हो और बहुत ज़्यादा बेचैन उसके लिए हो गया हो और उसकी बेचैनी के बाद उसे वो चीज़ जब हाथ लगे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशी देता है इफ्तार के वक्त कि दिन भर वो इस सआदत से महरूम रहा क्योंकि रब्बे करीम ने उस पर रोक लगाई थी और अब उसकी तरफ से इजाज़त मिली है, तो इस इजाज़त के पा लेने के बाद खुशी में वो मगन हो जाता है। और दूसरी जो खुशी है और जिस खुशी की कोई हद नहीं और जिसकी कोई इंतहा नहीं,
وهي الله رب العالمين سي ملاقات كي وقت وفرحة عند لقاء ربه جو اجر عظيم اپنی نگاہوں کے سامنے پاتا ہے کیونکہ یہاں خوشی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے فرحة عند لقاء ربه کیا کچھ رب کریم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ جو اس کے صبر کے اعلیٰ ترین منازل کو طے کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بدلے کے طور پر اپنے پاس سے اس کے لیے تیار کر رکھا تھا اور اب تک اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا اب توقع سے کہیں زیادہ پا کر کے اپنی سوچ سے کہیں بلند ہو کر کے جب ان ثمرات کو دیکھتا ہے تو پانے کے بعد یقیناً اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے اور بے انتہا خوشی کو مالک ہو جاتا ہے، خاص طور سے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ایسے وقت میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ جہاں ایک ایک نیکی انسان کے لیے ازبس غنیمت ہوتی ہے اور بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ایسے میں اللہ رب العالمین اسے بے حد و حساب اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے اس دن کا، پر اللہ رب العالمین نے اس دن خوش ہوتا ہوا یا خوشی میں ایسے لوگوں کو جو دنوں کو روزے کے ساتھ گزارے ہیں انہیں خوشی میں خوشی کی حالت ان کی زندگی کے اندر داخل فرماتا ہے اور وہ وہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلتوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایک دروازہ رکھا ہے جو خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں صیام جیسی عبادت کثرت کے ساتھ پائی گئی، صیام جیسی عبادت کثرت کے ساتھ پائی گئی دیگر اور عبادتوں کی بنسبت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، جنت کے اندر جو دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے روز صائمین داخل ہوں گے، روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غيرهم، صائمین کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا اين الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ فيقومون، تو یہ روزے دار کھڑے ہوں گے، لا يدخل منه احد غيرهم، اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ فاذا دخلوا، جب یہ روزے دار اس میں چلے جائیں گے، اغلق، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منه احد، اور پھر کوئی اور اس دروازے سے نہیں جا سکے گا۔ اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ بہت بڑا خوشی اور مسرت کا مقام روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، اور دیگر عبادات کرنے والے یہ وہ دروازہ نہیں رکھا جو کہ دروازہ خاص کر رکھا ہے روزے دار یا روزے جیسی عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے، اور اس کا نام ریان رکھا، کیونکہ بھوکے اور پیاسے یہ اپنے دن کے اوقات کو تھے۔ رب العالمین نے سیراب ہونے کا وقت آ گیا ہے، صحیح بدلہ، اور جنت میں ایسے ہی دروازے سے جو کہ مخصوص ہوگا ان کے لیے، ان کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو اس میں داخل ہوگا اور اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر روز افطار کے وقت اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کے اندر، جیسا کہ روایت گزری
رات کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ہر رات میں وذلک فی کل لیلہ ہر رات میں اللہ رب العالمین آزاد کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین افطار کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے بندوں کو دعا کرنی ہے صائمین کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین صائمین کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور خاص طور سے اگر وہ افطار کے وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا اور مناجات کریں پورا دن ہی یہ قبولیت کا ہے اور افطار کے وقت کی گھڑیاں اللہ رب العالمین کی ہاں بڑی ہی قیمتی ہیں اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے دعا اور بندگی اس وقت کرتا ہے تو یقیناً بے شمار قسم کے اجر کے ساتھ ساتھ اس کی مرادیں بھی اللہ رب العالمین پوری فرماتا ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص اس مہینے کی راتوں پر غور کرے تو اس راتوں جیسی سال کی کسی بھی مہینے کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہے کہ انہیں یہ راتیں دستیاب ہوں خاص طور سے آخری عشرہ جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا اور اس آخری عشرے کے اندر وہ عظیم الشان رات جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کی ہے کیا کہا ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر کہ اگر کوئی شخص اس قدر والی رات کو پالے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی اگر اس رات میں اللہ رب العالمین کی وہ عبادت اور بندگی کر سکے تو یہ اور اس جیسی فضیلتیں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی شخص اس مہینے کی دن کے اندر یا راتوں کے اندر اور رات میں ایک عظیم الشان عبادت اور بھی ہے جسے ہم قیام کہتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ اس مہینے کے قیام کرے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ينصرف کتب له قیام لیلہ ہر روز کے تعلق سے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز آخر تک پڑھے اور امام کے پلٹنے کے ساتھ ساتھ وہ پلٹے تو پوری رات کے قیام کا اجر اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا تو یہ بہت عظیم چیزیں ہیں جو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اور اس میں ایک عظیم چیز ہے روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات اور زکاة جیسی عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالیہ تھا کہ آپ سخی تھے آپ کی سخاوت میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور دریا دلی یہ عام دنوں کی بنسبت بڑھ جایا کرتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے ذکر فرمایا گویا کہ آپ ہوا کے مانند خیر کے کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ کر کے جا رہے ہیں یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے رکھی ہوئی ہیں آخر میں ایک چیز ذکر کر کے اور میں اپنی بات کو سمیٹوں گا اور یہ چیز عظیم ہے کہ اس مہینے کے اندر روزوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے پر اس تعلق سے کچھ حکمتیں بھی ہیں اس مہینے کے روزے کی اس مہینے کے روزوں کے تعلق سے کچھ عظیم حکمتیں بھی ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں اگر ان حکمتوں کی طرف بھی اشارہ ہو جائے اور وہ باتیں جو اس مناسبت سے ذکر کی جاتی ہیں ہمارے ذہن و دماغ میں آئیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے بڑی ہی نفع بخش ہوں گی
سیام کی عظیم حکمت قرآن مجید میں ذکر ہے, لعلکم تتقون, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں, روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر, تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. کیا ہے یہ تقویٰ؟ تقویٰ وقایہ سے ہے, وقایہ کے معنی بچاؤ, وقایہ کے معنی بچاؤ. ابھی بچاؤ کے تعلق سے باتیں ذکر کی جا چکی ہیں, دنیا کے اندر بچاؤ اور آخرت کے اندر بچاؤ. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو دو کام وہ اختیار کرے, دو کام اختیار کرے, دونوں کاموں کو جس قدر وہ انجام دیتا رہے گا اسی قدر بچاؤ اس کی زندگی میں آتی رہے گی, تقویٰ کی صفت اس کی زندگی میں بڑھتی جائے گی. وہ دو کام کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو رب کی رضا کے لیے کیا جائے, اور دوسرا, دوسرا کیا ہے؟ جن کاموں سے منع کیا ہے, جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کسی کام کو انجام دیتا ہے یا کسی کام سے بچتا ہے تو تقویٰ کا ایک درجہ اور مرتبہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. نماز پڑھا, تقویٰ ہے, روزہ رکھا, تقویٰ ہے, قرآن مجید کی تلاوت کیا, تقویٰ ہے, ذکر و اذکار صبح و شام کے نماز کے بعد کے اذکار اگر یہ کر رہا ہے یہ تقویٰ ہے, خیر کے جو بھی کام وہ انجام دے یہ تقویٰ ہے, نفع بخش جن کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لائے یہ تقویٰ ہے. اور کیا تقویٰ ہے؟ جھوٹ نہ بولے, چوری نہ کرے, غیبت, بدگوئی, چغل خوری, بہتان تراشی اپنی زندگی کے اندر نہ لانے دے, تقویٰ ہے. ایسے ہی اپنے اخلاق کے اندر بہتری پیدا کرے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے, برے اخلاق سے, برے اخلاق کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے, گالی گلوچ نہ دے, بیہودہ گوئی سے اپنے آپ کو بچائے, فواہش اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائے, زنا کاری, بدکاری, شراب نوشی اور بہت ساری چیزیں جو پوڑیوں کی شکل میں لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں, آپ انہیں گٹکا کہیں یا اور کیا کہیں, ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. تو جن جن چیزوں سے وہ بچتا جائے گا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے کیا عطا فرمائے گا؟ تقویٰ, تقویٰ. اس کی زندگی میں آنے والی تھی پر اس نے کنٹرول کیا, اسے ایک صفت حاصل ہوگی جس کا نام ہوگا تقویٰ. اسی لیے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, خل الذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقیٰ, خل الذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقیٰ, گناہوں کو چھوڑ دو, چھوٹے گناہ ہوں انہیں بھی چھوڑ دو, بڑے گناہ ہوں انہیں بھی چھوڑ دو. ایک ایک گناہ کو آپ چھوڑتے جائیں گے تقویٰ کی ایک ایک خصلت آپ کے اندر آتی جائے گی, تقویٰ کی ایک ایک خصلت جیسے جیسے چھوڑتے جائیں گے ویسے ویسے وہ خصلت آپ کے اندر اکٹھی ہوتی جائے گی. تو اگر کوئی شخص تقویٰ چاہتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے. اب آپ سوچیے, ابھی جو چیزیں ذکر کی گئیں رمضان المبارک کی مناسبت سے, خیر کے کس قدر اعمال اس مہینے کے اندر انسان انجام دے سکتا ہے, یہ سب تقویٰ ہے.
सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक वो रब की इबादत और बंदगी के तौर पर खाने और पीने और सारी शहवात की चीज़ों से अपने आप को रोक करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक्वा हासिल करता है, तक्वा उसे हासिल हो रहा है। वो नमाज अदा करता है उसे तक्वा हासिल, वो वज़ू बनाता है उसे तक्वा हासिल होता है। पूरे दिन वो मुख्तलिफ काम अंजाम देता है, सारे काम ही उसके लिए तक्वा का बाइस बनते हैं। बुराइयों से भी अपने आप को उसी कदर जिस रोज़े से है बुराइयों से अपने आप को दूर रखे हुए है, बुराइयों से अपने आप को बचा रहा है। जिस कदर वो बुराइयों से अपने आप को बचाता है, एक एक बुराई के बदले में तकवा की एक एक खसलत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाता है। जाहिर सी बात है इस जैसी इबादत का मकसूद अगर इंसान समझ ले कि क्या कुछ नतीजे के तौर पर उसे इस इबादत के पीछे मिलने वाला है, तो वो समझ सकता है कि बहुत अजीम इबादत है। जिस इसीलिए तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, तकवा की तारीफ़ करते हुए एक ऐसा जामे नाम है कि जो हर उस चीज को अल्लाह को लिकुल पसंदीदा रब्बुल आलमीन चाहता है वो पसंदीदा आमाल इख्तियार किए जाएं, पसंदीदा अक्वाल अपने दिल, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंदीदा चीज़ों को बंदा अगर इख्तियार कर रहा है तो उसने तक्वा नाम है। इस्म जामिउन लिकुल मा युहिब्बुहु अल्लाहु व यर्दाह मिन अल महबूबात व तर्क अल मनहियात, मिन अल महबूबात व तर्क अल मनहियात। ये बहुत अजीम तारीफ है जो तक्वा के जामे मफहूम को, जामे और शामिल मफहूम को अपने अंदर लिए हुए है। तो इस आम ज़ाब्ते के बाद जो कि क़ुरान मजीद की आयत के अंदर वारिद है, इस आम ज़ाब्ते से लग करके अहले इल्म ने कुछ और भी चीज़ें इससे अख़ज़ की हैं, उनकी तरफ भी इशारा कर, और ये सियाम के फ़वाइद में से भी हैं और उसके गायात में से भी हैं। उन्हीं फ़वाइद में से या उन्हीं हिकमतों में से दोनों ही चीज़ें हैं कि दिलों के अंदर एक ऐसी कैफियत का पैदा हो जाना जिसको आप कहें कि टूटा हुआ दिल हो, दिलों का टूटा हुआ होना, दिलों का टूट जाना। यानी रोज़ा क्या करता है, रोज़ा उस जिस्म को जिसके अंदर ऐसा दिल है कि जो हमेशा सैराबी के साथ और जुल्म और ज़्यादती के साथ ज़िंदगी गुजारने का आदी रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, न खाने पीने की चीज़ों की कमी है और न ही दुनियावी जो वसाइल और असबाब हैं न ही उनकी कमी है, इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में जुल्म ज़्यादती के बहुत सारे आसार भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से उसके दिल के अंदर की जो कैफियत है वो कैफियत उसे राहत पहुंचाने के बजाय उसे हमेशा मुबतलाए अजियत ही रखता है। अगर ऐसे दिल को आप नफा बख्श बनाना चाहते हैं तो आप उसे रोज़ा रखने का और इबादत के इरादे से सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहने का की आदत डालें, उनके अंदर की ज़्यादती, दिल के अंदर की जो ज़्यादती है और जो मखलूक के ऊपर जुल्म है और जो आसूदगी की वजह से इंसान के अंदर गफलत, सुस्ती और कोताही की इंतहा है, ये सारे धूल जो उसके दिल के ऊपर जमे हुए हैं वो इस रोज़े के साथ टूट सकते हैं। तो नफ्स के ऊपर आई हुई चीज़ों का तोड़ देना, नफ्स के ऊपर तारी
جو غلاظت ہے نفس کے اوپر تاری، جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، جو آلودگی ہے، انسان کے ہمیشہ آسودہ رہنے اور کھانے اور پانی اور شہوات کی دیگر اور چیزوں کی فراوانی کی وجہ سے ان آلودگیوں کو توڑنے اور ان کو دفع کرنے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ اور راستہ ہے تو ان میں سر فہرست روزہ ہے، یہ نفس کو توڑ دیتا ہے، ایسے شریر نفس کو جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ اس کے عظیم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دل کو ذکر اور فکر کے لیے خالی کرنے میں بڑا اہم رول اور کردار ادا کرتا ہے۔ دل کو ذکر اور فکر کے لیے، ذکر اور فکر کے لیے، کیا دونوں ایک چیزیں ہیں؟ ذکر اور فکر دو ہیں، لفظ تو دو ہی ہے لیکن کیا حقیقت میں بھی دونوں ہیں الگ الگ؟ ذکر اور فکر کے لیے دل کو خالی کر دیتا ہے، یعنی دل کو چھوڑ دیتا ہے کہ آپ یہ دونوں کام انجام دو، دل کو آزادی مل جاتی ہے۔ ورنہ جب انسان یکے بعد دیگرے اور مسلسل کھانوں کے ذریعے سے اپنی ضیافت کرتا رہتا ہے، پانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھرتا رہتا ہے، تو دل اسی کے بوجھ تلے صبح سے شام تک وہ دبا ہی رہتا ہے، وہ خالی نہیں ہو پاتا، اسے وہ لمحات میسر ہی نہیں آتے کہ اپنے آپ کو ہلکا کر کے اور آزادی کی کچھ زندگی گزار سکے۔ آزادی کے قیمتی لمحات اس کی زندگی میں میسر ہی نہیں ہو پاتے، وہ بدھا ہوا رہتا ہے۔ کس چیز کے پیچھے بدھا ہوا ہے؟ کھانے اور پانی اور دیگر اور بہت ساری عائش و آرام کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بس اسی کے بوجھ تلے دبے رہنا یہ اس کی زندگی کا یہ حصیلہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے جس جسم کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے دلوں کے اوپر وہ قبضہ جمائے، دن اور رات کے بیشتر اوقات گزار رہے ہوں، تو دل غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں قسوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دلوں کی سختی اس کے اندر آنے لگتی ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور روزہ کیا کام کرتا ہے؟ روزہ یہ کرتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھا، تو اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے اب جسم کا جو بوجھ ہے، کھانے اور پانی اور دیگر اور چیزوں کا جو بوجھ تھا، اس بوجھ سے دل اور روح کو نجات مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب خالی ہو چکے ہیں، اب آپ اپنا کام شروع کریں، آپ کو اللہ نے آزادی بخشی ہے، ابھی اس آزادی سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ کہا دو کام میں آپ دل لگا لیں، نمبر ایک اللہ رب العالمین کو دل سے یاد کریں، ذکر، سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر ہے، نماز کی اقامت یہ ذکر ہے، تلاوت قرآن یہ ذکر ہے، ہر وہ اچھے اور بھلے کام جو انسان رب کے حکم سے انجام دے رہا ہے اور اس کی رضا کے لیے اسے انجام دے رہا ہے وہ ذکر ہے۔ تو اسے ذکر کے لیے خالی کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مطلب کے کاموں پر ڈٹ جائیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اب ان کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیں کہ جن کاموں کے ذریعے سے اب آپ کو قوت ملنے والی ہے، جن کاموں کے ذریعے سے آپ کو سیرابی ملنے والی ہے، جن کاموں کے ذریعے سے آپ کے حوصلوں میں اضافہ ہونے والا ہے اور آپ زندگی کو دوبالا کر سکتے ہیں اور اس زندگی کی معنویت میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ان کاموں میں آپ لگ جائیں، یہ ہے ذکر۔ اور فکر کیا ہے؟ فکر یہ سوچ ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ سوچ، فکر، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں غور کرنا، اللہ رب العالمین نے ہم کو تندرستی عطا فرمائی، کیوں تندرستی دیا اللہ رب العالمین نے؟ سوچنا،
कितनी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर की हुई हैं। साफ सुथरा अल्लाह ने खाना हमें दिया, रब्बे करीम ने जिस्म के इतने सारे नफा बख्श आज़ा और जवारे हमें दिए, सही सालिम बीमारियों से पाक। सोचना, गौर करना, वह भी अनफोसिकों अफला तुम से रोम। आसमान अल्लाह ने बनाई, वहाँ से क्या क्या चीज़ें नाजिल होती हैं हमारे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहना। इन नफ़ी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफ अल-लैल वन-नहार लआयात लिउलिल अल-अलबाब। अल्लाह ने उनको अक्ल वाला करार दिया है कि जो अपने अक्ल को उसकी अपनी जगह में लगाते हैं, सोचता है वो इंसान। इन नफ़ी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफ अल-लैल वन-नहार लआयात, निशानियाँ हैं। या किस चीज़ की निशानियाँ हैं? ज़मीन और आसमान अल्लाह ने पैदा किया, दिन और रात को अल्लाह ने लाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन लाता है दिन को और रात को और ये सारे अवकात को, इनके पीछे निशानियाँ हैं। और ये निशानियाँ किन चीज़ों की तरफ हमें ले जाना चाहती हैं, अगर इंसान गौर फिक्र करता है और उन्हें वक्त देता है, उस पर अपने आप को लगाता है, तो अल्लाह ने कहा ये अक्ल वाले लोग हैं जो अपने अक्ल का सही इस्तेमाल करते हैं। आयात लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियाम। जब इतना ये सोचते हैं कि इसमें निशानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह सब पैदा किया है, उसकी पैदा करदा किसी चीज़ के अंदर कोई नक्स नहीं, कोई कमी नहीं, आला तरीन औसाफ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात हैं, तो वो इस बात की तरफ मजबूर हो जाता है कि फिर तो हमें उसी का गुनगाना चाहिए। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। तो ज़िक्र और फ़िक्र दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर ज़िक्र फरमाया है। और मैं याद दिला दूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आँख खुलती थी तो जो कलिमात आपकी ज़ुबान मुबारक पर जारी होते थे बेदार होने के साथ साथ, बल्कि आंखें मलते हुए, आंखों को मलते हुए आपकी ज़ुबान मुबारक से क्या चीज़, यानी आंखों को मल रहे थे कि आपकी आंखें खुल जाएं और नींद से आप उठ जाएं, आंखों को मलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जो कलिमात जारी होते थे वो कौन से कलिमात थे? इन्न फ़ी ख़ल्क़ अस्समावाति वल-अर्ज़ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله। दस आयात आखिर तक, ये सारी आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हुए अपनी ज़ुबान मुबारक पर जारी फरमाते थे, जिसमें ज़िक्र और फ़िक्र दोनों का आला तरीन शक्लों के साथ ज़िक्र है। तो रोज़े का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि वो नफ्स के बोझ से लदे हुए रूह को और बेचैन दिल को और तबाह हाल दिल को आज़ादी बख्शता है और उसे खाली कराता है, उसे मौका देता है कि नफ्स का जो अमल है उस अमल में उसे सुबह से शाम तक लगाया जा सके। तो ये बहुत बड़ा काम है जो बंदे को इसके ज़रिए से हासिल होता है। इसी तरीके से इन फवाइद में से, इन बरकात में से और इसकी हिकमतों में से एक ये है कि मालदारों को भी पता चलता है, आसूदा हाल लोगों को भी पता चलता है कि अल्लाह की नेमत क्या होती है। जब वो भूखे और प्यासे सुबह से शाम तक के अवकात को गुजारते हैं तो उन्हें समाज के अंदर रहने वाले गरीब, फ़कीर, मोहताज, मिस्कीन, बेसहारा लोग जो बड़ी मुश्किल के साथ अपने दिन और रात के अवकात को गुजारते हैं, तो उनकी मशक्क़तों का सही तौर पर अंदाज़ा लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। और फिर अपने जैसे लोगों के साथ खैर का मुआमला और सलूक करना उनकी ज़िंदगी में आने लगता है। इसीलिए खैर की कसरत सियाम के साथ साथ इंसान के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि वो हर तरह के समाज के लोगों की हालतों को उस दर्जे में जा कर के समझने लगता है। इसलिए एक ज़ाबता है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि किसके साथ कैसा सलूक किया जाए
तो उसके दर्जे में उतर करके और उसकी सोच तक पहुंचने की कोशिश करे, फिर वो समझ सकेगा कि किसके साथ किस तरह का मामला नफा बख्श है। मिसाल के तौर पर बच्चों के साथ किस तरह का सलूक और मामला किया जाए। मिसाल के तौर पर 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उस बच्चे के अंदर उस उम्र में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किन औसाफ के वो मालिक होते हैं, उन औसाफ का तकाजा क्या है, ज़िंदगी की किन किन चीज़ों को अपनी फितरत से करीब पाते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उस उम्र के मरहले में उन्हें पसंद आती हैं और कौन सी चीज़ें ना पसंद आती हैं उस उम्र के मरहले में। तो जब बंदा अपने आप को उस मरहले में ले जाने की कोशिश करता है, उतने साल के बच्चे की उम्र के तकाज़ों को समझने के लिए, तो सही माने में वो ऐसे बच्चों के साथ मुआमला करने में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जब अपनी उम्र के पहुँचे हुए 40 साल, 30 साल, 45 साल, इस उम्र में जो कि पुख्तगी की उम्र हैं और हर चीज़ की कमज़ोरी और मजबूती और सारी चीज़ों को समझने लगे हैं, अब वो अपने पुख्ता उम्र के कामों को उन ना पुख्ता उम्र के और कमज़ोर ज़हनों दिमाग के मालिक के बच्चों के साथ जब मुआज़ना करते हैं, तो हमेशा नक्स और कोताही ही उनके समझ में आती है। उन्हें लगता है कि ये सारे के सारे नाकाम और नामुराद हैं और कहीं ये कामयाब होने वाले नहीं हैं, बार बार की नसीहतों और बार बार के समझाने के बावजूद ज़र्रा बराबर इनके पल्ले कोई चीज़ पड़ती नहीं। बात दरअसल ये है कि अपने मेयार पर पहुंच करके और उसके बचपने से निकाल कर 40 साल के मरहले, 30 साल के मरहले की उम्र तक पहुंचा करके और वो काम उनके ज़रिए से कराना और उसकी उम्मीदें रखना, ये ज़्यादती है। तो रोज़ा हमें क्या सबक देता है कि वो गनी और मालदार लोग जो कि हमेशा आसूदगी की ज़िंदगी के साथ रहे, आसूदगी की ज़िंदगी रही, खाने पीने की कोई कमी नहीं, अल्लाह ने सब कुछ नमाज़ा हुआ है, हर तरह की आराम और आसाइश है, फिर गरीबों के पेट की हरारत को कैसे समझ सकते हैं कि भूख क्या चीज़ होती है, उसका मतलब नहीं समझ में आता। जानते हैं मतलब, समझते हैं, लेकिन उसका एहसास अपने दिलों के अंदर नहीं पा सकते। कब पाएंगे? जब वो रोज़ा रखें, तब उन्हें पता लगेगा कि फ़क्र भी कोई चीज़ है, मोहताजगी भी कोई चीज़। भूख किसे कहते हैं उसका मतलब समझाने की फिर ज़रूरत नहीं आएगी, फिर भूखों के साथ अच्छे मामलात करना, अच्छा मुरव्वत करना, संजीदा सलूक करना, ये उनकी ज़िंदगी में आराम के साथ आने लगता है। तो इससे एक ज़ाब्ता हमें ज़िंदगी के अंदर ये मिलता है कि इंसान अपने आप को उस मरहले में ले जाने की कोशिश करे जिस मरहले के मुखातब हैं, जिस दर्जे के मुखातब हैं। अगर ऐसा करने में हम कामयाब होंगे तो नफ़ा और फ़ायदे की जो उम्मीद है, यकीनन वहाँ तक पहुँचने की कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल होगी। चौथी और आखिरी बात कि रोज़ा सियाम जब इंसान रखता है और खाने और पीने और बहुत सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दे दिया है, इन चीज़ों से दूर रहने की वजह से होता क्या है कि वो रगें और वो रास्ते जिनके ज़रिए से इंसान अपने खाने और पाने की चीज़ों को अपने पेट तक पहुंचाता था, दिन भर खुश्क रहने की वजह से वो तंग हो जाती हैं। जब किसी चीज़ का इस्तेमाल कम करें तो वो सिकुड़ता है कि नहीं, और जब इस्तेमाल बढ़ करके करें तो फैलता है कि नहीं। सिकुड़ना और फैलना उसके इस्तेमाल पर है,
कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें तो सिकुड़ करके काफ़ी दुबला हो जाता है, और जब उसका इस्तेमाल करें और भरपूर इस्तेमाल करें और खूब बढ़ करके इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो चौड़ा हो जाता है, कुशादा हो जाता है। इंसान जब खाने और पानी की चीज़ों को हलक के रास्ते से गुजार करके पेट तक पहुंचाता है तो उसकी अतड़ियों में भी इजाफा होता है, उसके नालियों में भी इजाफा होता है, वो खूब चौड़े और कुशादा होते हैं, और शयातीन भी उसके जिस्म के रग रग के अंदर खूब दौड़ते हैं खून के दौड़ने की तरह से, और जब ये तंग होते हैं तो वो भी तंग हो जाता है। जब खाने और पानी की गुज़र नहीं होती, उसका रास्ता बंद होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होते हैं, तो जिन रास्तों से शयातीन को दौड़ना है, जिस्म के एक एक हिस्से के अंदर एक एक रग के अंदर भागना है, उनके भागने के रास्ते और दौड़ने के रास्ते भी तंग होने लगते हैं। गोया कि शयातीन के शर से बचाने के लिए इंसान अगर अपने खान पान की चीज़ों को नॉर्मल और दरमियानी दर्जे का रखे तो शयातीन के शर से वो पूरे तौर पर अपने आप को बचा सकता है और मुकम्मल तौर पर कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रख सकता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मा मला आदमीयुन वियान खैर वियान कत, कि किसी भी आदमी ने किसी भी बर्तन को जो कि उसके हक में बुरा हो इससे ज़्यादा उसने नहीं भरा जितना कि उसका पेट है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौजीह फरमाई कि इंसान के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपने पेट के अंदर उतना उतार ले कि जिससे उसकी पीठ सीधी हो जाए, जिससे उसकी पीठ सीधी हो जाए। तो खाने और पानी और इस तरह की चीज़ें जो इंसान के अंदर शहवात को बेदार करने वाली हैं, अगर ऐसी चीज़ों को इंसान कम से कम की तरफ ले जाता है तो शयातीन के वसाविस यानी सियाम के रास्ते से शयातीन के वसाविस के रास्ते भी तंग से तंगतर हो जाते हैं और उसके ग़ज़बनाकियत के और शहवात के रास्ते भी आहिस्ता आहिस्ता कम से कमतर होने लगते हैं। और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो निकाह का वो नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, तो आपने क्या कहा, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबा फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसन लिलफ़द व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। जो शख्स शादी नहीं कर सकता वो रोज़े रखे, क्योंकि ये रोज़ा उसकी हिद्दत को उसकी तेज़ी को तोड़ देती है, उसमें कमी ले आती है, वो कैफियत नहीं होती जो इंसान को बेकाबू कर दे, दायरे इख्तियार से दायरे इस्तिरार में पहुंचा दे। ये और इस जैसी खूबियां हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हुई हैं इस सियाम के पीछे, बेशुमार हिकमतों की शक्ल में अगर इंसान उस तरफ तवज्जो दे तो यकीनन रोज़े जैसी अजीम इबादत अपनी ज़िंदगी के अंदर लाता रहे और उससे मुस्तफीद होता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खैर के कामों को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।